जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाव की पराकाष्ठा को छूने वाली सच्ची कहानियों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, भक्तों के चरित्र सदा ही नवीन हैं, सदा ही मंगलमय हैं, सदा ही चिंतन मनन और सेवन करने योग्य हैं। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 450 वर्ष पूर्व की बात है। दिल्ली में एक परमेष्ठी नाम का काले रंग का कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय से भगवान का भक्त था। परमेष्ठी की स्त्री का नाम था विमला। वह धर्मपरायणा तथा पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली थी। उसके एक पुत्र और दो कन्याएं थीं। संतानों में भी माता पिता के गुण पूरी तरह विद्यमान थे। वे विनम्र और आज्ञाकारी थे। परमेष्ठी का पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण था। यद्यपि परमेष्ठी को सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगों में तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान, भगवान के भक्त और भगवान नाम में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते सीते वह नाम जप किया करता था। कभी कभी तो वह भगवान का स्मरण करते हुए मूर्ति की भांति हाथ में कपड़ा और सुई लिए बैठा ही रह जाता था। समय मिलते ही वह कीर्तन करने लगता था। उस समय उसके नेत्रों से आंसू चलने लगते थे, कंठ भर जाता था, शरीर सात्विक भावों से परिपूर्ण हो जाता था। लोग उस भगवत भक्त की प्रशंसा करते तथा उसका आदर करते थे। भक्त होने के साथ परमेष्ठी अपने काम में भी पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर नवाब आदि उससे अपने कपड़े वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के द्वारा सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे दो बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वे गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने दो तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे मणिक मोती जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आया। परमेष्ठी को बुलवाकर बादशाह ने वह कपड़ा उन्हें दे दिया और उसके दो तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी की सच्चाई और कारीगरी पर बादशाह को पूरा विश्वास था। परमेष्ठी वह रत्न जटित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के दो खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखें। वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उनके मन ने कहा, कितने सुंदर हैं ये तकिए। ये क्या एक सामान्य मनुष्य के योग्य हैं। इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे यह विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद चलने लगा। वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में न लगे। परंतु मैं क्या करूं, तकिए तो बादशाह के हैं। प्रिय भाई बहनों, मन के असमंजस ने ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार श्री जगन्नाथ धाम जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख चुका था। आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है कि श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है, वेद पाठ हो रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे पर पधारते हैं। सहसा रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से दो तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बड़ी भीड़ थी, बड़ी धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़ में पीछे पड़ गया। अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। श्री हरि का दर्शन नहीं हो रहा था। अब सहसा इस स्थिति से परमेष्ठी को बाह्य ज्ञान हो गया।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, परमिष्टि ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जटित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमिष्टि ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सर्व अंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय? क्षुद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है, वह कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की, वह तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुँचा। बादशाह तकिए की कारीगरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिए की बात परमेष्ठि से पूछी। परमेष्ठि ने निर्भयतापूर्वक कहा, उसे तो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने इसे प्रयास समझा, परंतु फिर उसने जब बार बार दर्जी से यही बात पूछी, तब दर्जी अनेकों बार यही बात को दोहराने लगा। तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठि को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। भक्त परमेष्ठि कैद खाने में बंद कर दिए गए। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े परमेष्ठि कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। वहाँ अंधेरे में कब दिन गया और रात आई, उन्हें पता ही नहीं। सहसा हथकड़ी टूट गई, तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े उड़ गए। भड़बड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वार खुल गया। परमेष्ठि के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्यदारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठि आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। प्रभु ने कहा, परमेष्ठि, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। जब तक मेरे हाथ में यह चक्र है, किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठि तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा। उन्हें मुक्त करके वे जगन निवास अंतर्हित हो गए। प्रिय भाई बहनों, उधर बादशाह ने रात में अपने स्वप्न में एक बड़ा ही भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हों और गर्जन करते कहते हों, तू भक्त परमेष्ठि को कैद करेगा तू। बादशाह डर के मारे चीख कर जग गया। वह थर थर काँप रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। उसके शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। दूसरे दिन सवेरा होते ही राजा ने मंत्रियों से अपने उस स्वप्न की बात कही और उन चिन्हों को भी दिखाया। सबको लेकर उसके बाद वह उस कैद खाने की उसी जेल में पहुंचा, जहां पर परमेष्ठि को कैद किया गया था। वहां उसने जाकर देखा कि पहरेदार सोए पड़े हैं। परमेष्ठि के हाथ की हथकड़ियाँ और बेड़ी टूट चुकी थीं। उनकी कोठरी खुली पड़ी थी। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था और वे ध्यान में मग्न थे। ध्यान टूटने पर व्याकुल से होकर वे नाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाह ने जब इस दृश्य को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और नाना प्रकार के वस्त्राभरणों से सज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर ले आया। बहुत सा धन दिया उसने। चारों ओर भक्त परमेष्ठि का जय जयकार होने लगा। परमेष्ठि को यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं रुची। उन्हें इससे बड़ी लज्जा हुई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर वे दूसरे देश में चले गए और वहीं लोगों की दृष्टि से दूर रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन पूजन में ही व्यतीत किया। वास्तव में जीवन की, हमारे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ वही है जिसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के लिए हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा हमें दिया हुआ है। प्रिय भाई बहनों, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जिस भक्त को जो वस्तु, जो चीज़ इस संसार में सबसे अधिक प्रिय रुचे, सबसे अधिक प्रिय लगे, वह यदि मुझे अर्पित कर देता है तो उससे लाख गुना बढ़ करके उसका फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए क्यों ना हम भगवान को ही सब कुछ अर्पित करते हुए चलें। जो वस्तु या जो खाने की वस्तु हो, पहनने की, ओढ़ने, जो भी वस्तु हो, सबसे अधिक प्रिय जो हमें लगे उसे हम अपने भगवान को अर्पित करें,
क्योंकि यह एक भाव बड़ा ही आनंददायक होता है। एक बार करके देखिए, बड़ा आनंद आता है। जो वस्तु सबसे अधिक हमें प्रिय लगे, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, उसे भगवान को अर्पित करके तो देखिए कितना आनंद आता है, और भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मिलेंगे। तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए, और भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्धारी शांत स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।